ਅਰੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਿਆ ਵੱਜ ਗਈ ਬਈ ਮੰਨ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ हेलो जी की हाल चाल मैं ताड़ा अपना हरपाल धालीवाल ते अज साडा तीजा दिन है शिमले च ते हुण ही सारे रेडी शेडी हो गए हां बस वीर रह गया है वीर 5 मिंटां च रेडी हो गए फिर अहीं निकलना है कुफरी वल नूं ते यार शिमले दा मौसम ओहो रात नूं ठंड दिने धुप दा नज़ारा है मौसम अजे वी पूरा ठंडा नहीं जैकटां पा लईआं ने लेकिन वेखो मज़ा आउणा चाहीदा है मज़े पै ने बस ते हुण ही चले आ कुफरी वल नूं रेडी शेडी हो गए कहते कुफरी च एडवेंचर पार के पता नहीं की किए तो सारा घूम के आवेंगे नाले तुहानू विखावे तो उम्मीद करदा तुहानू मज़ा आउंदा होगा जे मज़ा आउंदा ना तो गाइस चैनल नू कर दो सबसक्राइब क्योंकि फिर कुफरी तो भी अगे जाना तो चैनल नू कर दो सबसक्राइब तो इदा ही साढ़े नाल जुड़े रहो तो अं नज़ारे लेंदे रहेंगे तो तुहानू विखाते रहेंगे तो मेरे वीरो मैं अज तुहानू सच्चाई दसांगा जिहड़ा बीराम गढ़िया अपने व्लॉग च सरासर आ गल गलत कह रहा है कि सारे यहाँ ने लेट कराता है गाइस 9:30 बजे तो अं सारे जने तैयार होकर बैठे हाँ सारे जने तो यह बंदे ने उदो पग बन्नी चालू की तो हूँ 11 बज गए ने हूँ कहता मेरी बेल्ट कितने आ तो गाइस ये सराजा सरासर सरासर झूठ बोल रहा है तो हूँ रूम चो समान अं लैनता है हूँ बस होटल चैकआउट कर लिए तो समान सारा इधर रखता है हूँ अं जावे अपनी गड्डी पार्किंग चो कढ़ा के कुफरी वालू दो चार घंटे उ मजे लाँगे फिर अगे जाना कुल्लू पता नहीं कसूर तुम वह रहो तुम पता लग जाएगा क्योंकि अजे हाडा भी डिसाइडेड मतलब फाइनलाइज नहीं गा वो जैकेट पाट गई समान सारा रख लिया हुण अहीं निकल लगे आ कुफरी वल नूं ते शिमले तो लगे आ नूं कुफरी आउंदे कुल 25-30 मिंट हुण हुण इत्थे पार्किंग मिली है लोन वाडा बंदा बड़ा कामयाब है उन्हें लवाती थे उफरी आ गए हैं हुण पहला यार थोड़ा जा कुछ खा लिए आंटी जी बढ़िया करके चाय कीती 5 कप पराठे कौन से बढ़िया वाले बना के दोगे आलू प्याज गोभी गोभी दे बना दो आ तवे जिड्डा ते परोठा है हो गई हो गई मैनु एक गल समझ च नहीं आई क्या परोठा खाना चाहिए बुक्कड़ मारनी है इत्थे कुफरी चाहिए ते कुफरी कोई आंदा चीनी बंगला च आ बाबा कैफे आ ते आंटी को जरूर आए ते आंटी को जरूर खा के जाए आंटी ने स्वाद बनाउंदी है खाली बनाउंदी नहीं गी आंटी तुहानू नाल इदा मतलब सर्व करेगी कि जिदा तुसीं घरे बैठे हो परोंठे दे परोंठा चाह ते चाह मतलब इच कोई कोई दुकानदारी वाली नहीं गी आंटी घर हां घर वाली गल इत्थे ते फूड बहुत ज्यादा टेस्टी तुसीं याद रखोगे जदों भी खा के जाओगे इतने जरूर आया जो भी आएगा परची कटा लीए 500 रुपया पर परसन घोड़े का लगता है तो उत्ते लैके जाएंगे उत्ते जाके कहते सारी एक्टिविटियां करावे 500 रुपए च कोई भी तीन एक्टिविटी कर सकते हो चढ़ गई पक्की ते मिर्जा पाले जट दी बग्गी तैयार हो गई है पैर पाओ यार ना 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 ओ ये चल पड़ी ते मैं एक छोटी जी बेसुरे ढंग नाल एक चीज बयान करनी चाहूंगा अंगड़िया जी सुन के जरा जी हां सुनाओ जी तू ही चिट्टी चीज मेनू आई है पसंद नहीं तो यार क्योंकि कलर ब्लैक दे आ थोड़ा जा गाना सीगा अपनी जर्नी जी घोड़िया की स्टार्ट हो गई मित्रों सारा चिट्टा चिट्टा हिमालिया का जरा जिद करने दिया अगे अपनी टीम जा रही है ते मैं कोशिश करना इन भजा आख अपना जाना मेरे वीरो भी रामगढ़िया जी जेडे ने सब तो पिछे रह गए ने वधिया वधिया ओए होली आओ What a view, what an amazing beauty, and what a beautiful day, and what a beautiful man shooting vlog. Everything is beautiful in this beautiful world of the country, in the India of the Shimla of the Kufri. Yes. Hello, ji. देखो, इतना जानिया कोडियाँ. मजा आ गया भी. आ जड़ी ही ना best चीज होगी. जोर दी खिचेगा
पार ही करता ही उन्हें यार पार जेड़ा काम लाइदा ना आर पार करीदा ते इस बार पार सीगा या मैंने ना थोड़ी जांच नहीं की तू मिर्जा मिर्जे नाल थोड़ी रिया वा मारी ना पिछो हट जाओ इतने बजना जो जिदा की तानू मेरे चाचे सोनू मिलदे ने ऐदा ही सोनू मिलदे रहणगे इस दे छोटिया मोटिया चीजा है मैं एक बारी तानू उदों दी गल दसदा है पट्टी बनती मेनू कदे शिकार करके हाथ नहीं वड्डे उन्होंने ते निशाने ला के मैं फाइनली यार मारता मैं हजे इन्ने निशाने लाए नहीं गए लेकिन टबोर्ग नू क्या है मारता निशाना ते दिस इज दी लोकल मार्केट हियर तुम बीच में फंस के की बैठे हो पैदल पैदल आओ ओ माय गॉड नजारेदार काम नजारेदार बहुत शानदार ग्लेशियर जे मित्रो चिट्टा चिट्टा किन्ने लेयर्स ने पहाड़ दे ग्लेशियर फिर ओदे अगे एक पहाड़ फिर ओदे अगे एक पहाड़ फिर ओदे अगे एक पहाड़ फिर आ ते आ मच्छरिया वेखो किड्डा जे स्वागत करते हुए मंच दे उत्ते हरपाल तालीवाल क्योंकि मैं उतरना ना शिप तो पानी च इसी लेडर उतरना मेरे बहुत प्रैक्टिस है खोल दे नू खोल दे यार हत्ता दा जादी डंड ला दी है सा चढ़ जांदा है मतलब 1000 रुपए दे 6 एडवेंचर करा रही लेकिन 500 दे 3 ले जेड़े अपनी मर्जी दे करने आ ते तुसीं गाइस इदां ही करियो 500 रुपए दे 3 करियो उत्ते आ के भी हो जांदे आ थल्लों भी 500 च 3 हो जांदे आ ते आ जिहड़ियां घोड़ियां ए ये भी 500 रुपए च होंदियां जे ते हुण बस अपनी दी वेट कर रहे हैं
फिर अहीं जाना है थले। रखा शास्त्री कोल जिहड़ा जानो बंदा मारे, रखा शास्त्री कोल जिहड़ा जानो बंदा मारे। हु बक्कीए हवा दे नाल करा दे तू अज गल्लां नी, जट्टी मर जूगी जे मैं नजरी ना आया। पाले ओए तू देखो पुलिद नाली ए, ओ दुगे बलदा दी करे जोड़ी डांग कोके हवाली ए। आजा शम्मी को चलिए, आजा शम्मी को चलिए, आजा शम्मी को चलिए, आजा शम्मी को चलिए। ते गाइस टाइम हो गया 5:05, ते कुफरी चो पूरा एंजॉयमेंट करके मतलब कुछ जगह बची नहीं घूमण वाली, ते हुण ही चले आ मनाली वालू। हो सकता है कुल्लू भी रात रुक जाइए, लेकिन साडा टारगेट जिहड़ा पहला मनाली का है, ते इत्थों कहिंदे 7-8 घंटे का राह है, मतलब रात दे 12-1 वजने तय ने। लैट सी की हुंदा है, क्योंकि तुहानू पता है साडे टारगेट पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि आपां मजे लैण लग जांदा है। चलो जो भी हो रहा है मजे लैण आए हैं यार, ते मजे ही ते लैणे ने, जे लेट हो गए तो की हो गया। तो खाण पीन का समान आ गया है, इत्थों पहुंचना है आपां 2:30 सवेर दे, राह हैगा है साढ़े 7 घंटे का, 242 किलोमीटर है हजे, कुछ खा लिया जाए ते फिर नाल नाल जाया जाए। बी राम गड़िया होइंग सिरपीट इन दी हेड ऑफ दी माउथ एंड इन दी सिरपीट। यार इत्थे ना तेल सस्ता है, 80 रुपए दा लग रहा है, मतलब ए तेल लग नहीं रहा है यार। वेखो पता की सफर है साडा अजे भी 237 किलोमीटर दा, साडा रादा ये बन रहा कि इत्थों तेल तुल पवा लिए, पूरा टैंकी भरवा लिए, फिर अगे रब रखे। टाइम हो गया है 9:15, इत्थों हजे भी मनाली घट्टो घट 200 किलोमीटर पिया वा, ते अहीं सोचिया सारिया ने यार चेंज चूंज कर लिए, मैं भी यार पग ला के टोपी पा लिए, वीर दी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चलन दी, वीर ते लम्मे पै गया है। वीर भाई उठो भाई, कुछ खा पी लो। पैक करा लो, मंजी ते पै जा बाहर आके। वीर भाई की थोड़ा तबीयत खराब चल रही है, इसलिए हमने रोक लिया कि वीर भाई को थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन वीर भाई हिल नहीं रहे, तो यहाँ से थोड़ी देर खा पी लेते हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर है, अभी 5.5-6 घंटे लगेंगे, तो थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। वीर भाई को आज तो ये ना पूरे राह च डिगन दिया, कोई बंदा उल्टी करे तो मैं वीडियो बनावा। पानी लेके आए हैं मुंडिया लिए, कम खराब हो गया यार बहुत ज्यादा। असी ना यार मोमोस खा ले ही, ओद करके पेट खराब हो गया। पहला तो यार मेरी सिर पर चाड़ हो गई ही, फिर मैं पग ला के आने वाली टोपी पा ली, तो मनाली वालू निकल गए ही, तो रस्ते च समोसे भी खा ले, तो हूँ खा पी के अं निकलन लगे इतों, हूँ राह च उत्थे रुका गए जिथे साडा जी करेगा। तो वीर आर यू फीलिंग वेल? नाउ यू आर फाइन? बिल्कुल कैम ने। चलो ठीक है। हे सिरी, डेस्टिनेशन मनाली। डेस्टिनेशन मनाली आ गया जी। ਆਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਰੀਸੈਂਟ ਸਰਚ ਚ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। 1:30 ਏ ਇੱਥੋਂ, ਅਜੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ, ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਲਗਭਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ, 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਚਿਆ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਏ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਏ, ਵੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ, ਆਧਾ ਪਹਾੜ ਕਾਟ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਕੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਹਮ ਬੀਚ ਮੇ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਾਹ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਗ ਹੁਣ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸਕੂਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਚਿਆ ਮਨਾਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਵਾ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮੀਏ ਕੁੱਲੂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮਨਾਲੀ ਵੱਲ। ਯਾਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਡੀ ਹੈ, ਬਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰੂਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਲੰਮੇ ਪਈਏ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਰੂਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, 4:30 ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋਵਾਂਗੇ ਉੱਨੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।